इंजीनियरों, आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नवरत्ना कंपनी से वैकेंसी निकल के आई हुई है, NFL। मैं सुबह में भी आप लोग को वीडियो बनाकर अपडेट दे दिया था कि वैकेंसी ये रिलीज़ हो गई है आप लोग के लिए। 336 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। एक एक को डिटेल में मैं तोड़ तोड़ कर हर चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं आप लोग बताने वाला हूँ। एज, ठीक है, एज, सैलरी, फिर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या है, उसके बाद से आप लोग को सब चीज़ यहाँ पे आप लोग का सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ITI डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है, GI से लेकर, शोर से लेकर, नर्स से लेकर, मतलब कि ITI के लगभग सभी ट्रेड को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से, ये भारत सरकार की कंपनी है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ना, मतलब कि जो वैकेंसी है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव में आती है ये, और ये जो वैकेंसी है टोटली परमानेंट है। और देखो, ये नोएडा में पड़ता है सेक्टर 11, यहाँ पे ए सेक्टर 11 सेक्टर 24 नोएडा में, इनका मतलब कि मेन जो है ना एस्टेब्लिश यहाँ वहाँ पे है। यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पे विज्ञापन संख्या है, और 9/10/2024 को फुल नोटिफिकेशन जो आउट किया गया वो चीज़ यहाँ पे दिया गया। उसके बाद से ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नवरत्ना कंपनी, ये सब चीज़ लिखा गया। हालांकि मैं इस पर बात नहीं करूँगा, बहुत सारा जगह इनका अलग अलग जगह कंपनी है, जैसे कि आप लोग यूनिट है अलग अलग यूनिट जगह, जैसे कि यहाँ पे नागल हो गया, उसके बाद से पंजाब हो गया, पानीपत हो गया, हरियाणा हो गया, विजयपुर हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट गुना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारा जगह इनका अलग अलग जगह प्लांट है। ठीक है, अब देखो वैकेंसी जो निकला हुआ है ना यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे रॉ कॉलम दोनों बना हुआ है, यहाँ पे सैलरी वाला ये है, उसके बाद टोटल सीट की संख्या यहाँ पे है, 336 पोस्ट वैकेंसी आउट हुआ है। ध्यान से पूरा एक एक वैकेंसी को देख लेना, मैं फुल नोटिफिकेशन से आप लोगों को नोटिफिकेशन लिंक अवेलेबल कर दूंगा, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, दोनों चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जो भी करना होगा अपना देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी करना हो वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये जो वैकेंसी निकला जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन वाले के लिए, W3 वाला ये जो है, उसके पास ये पोस्ट कोड है, यहाँ पर ध्यान देना ये पोस्ट कोड है, ओके। उसके पास यहाँ पे ST OBC जो PWD है, ये एक्सपीरियंस है वो सब के लिए है यहाँ पे है। उसके बाद देखोगे ना असिस्टेंट मैकेनिक, देखो ड्राफ्टमैन वाले के लिए है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल वाले के लिए, जूनियर असिस्टेंट केमिकल लैब वाले के लिए, स्टोर असिस्टेंट वाले के लिए है, यहाँ पे सबका अलग अलग है। यहाँ पर लोको अटेंडेंट ग्रेड के लिए, नर्स के लिए जो JNM की है, और उसके बाद से फार्मासिस्ट वाले के लिए है, अटेंडेंट ग्रेड वाले के लिए, OT टेक्नीशियन वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, 1500 से। बेहतरीन यार यहाँ पे जॉब है ये, आपको सैलरी में 35 से 40 के बीच में आप लोग को अराउंड में आप लोग को सैलरी स्टार्टिंग से ही मिलता है। ठीक है, यहाँ बठिंडा यूनिट से, अलग अलग यूनिट से आप लोग का वैकेंसी है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर प्रोडक्शन में हो गया, इंस्ट्रूमेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल में हो गया, जूनियर इंजीनियर सब JEE वाला पोस्ट है, मतलब JEE लेवल का आप लोग का पोस्ट है ये, जूनियर इंजीनियर है आप लोग, तो आप लोग डिप्लोमा किए हैं, BTEC किए हैं, तो आप लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अलग अलग अपना ब्रांच देख लीजिएगा, ट्रेड देख लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल वाइज, स्टोर असिस्टेंट, नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, उसके लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, अटेंडेंट कम टेक अटेंडेंट, यहाँ पर देखो अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल वाले के लिए, यहाँ पर फिटर वाले के लिए, ये देखो वेल्डर वाले के लिए है, इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए, ये देखो, उसके बाद से यहाँ पे OT के लिए, एक मिनट, ये देखो इलेक्ट्रिशियन वाले हो लिए, लोको अटेंडेंट ग्रेड के लिए, मैं सबका सिलेबस बताऊँगा, सैलरी बताऊँगा, सबका नीचे में दिया गया, मैं एक ही चीज़ मैं आप लोग बता दूँ, टेंशन ना लो, पहले आप लोग देख लो कौन कौन सा पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ, वो चीज़ आपको देखने की जरूरत है। लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे हो गया, अकाउंट, सब जगह अलग अलग आप लोग का यहाँ पे दिया गया, ये चीज़ देख लीजिएगा। विजयपुर यूनिट में आप लोग का जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए है, यहाँ पर भी आप लोग का सब यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आप लोग का दिया गया, सब अलग अलग आप लोग का पोस्ट है, अलग अलग आप लोग का विभाग, अलग अलग मतलब कि आप लोग का पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर में आप लोग का मैकेनिकल असिस्टेंट से हो गया, या फिर वेल्डर वालों को भी मौका दिया गया। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सी है, एज के लिए यहाँ पे 18 से 30 है मिनिमम से मैक्सिमम एज है, और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, मैं एक एक चीज़ को डिटेल में बता दूंगा, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया। पे स्केल पहले देख लो, यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी द प्लेसड इन द मिनिमम बेसिस पे, आप लोग को तो TA DA HRA ये सब चीज़ फैसिलिटीज यहाँ पे ये जो विभाग है ना देता है, सब चीज़ देता है, देखो यहाँ पे सब चीज़, ठीक है, ग्रेजुटी हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया,
ठीक है, ये सब चीज़ फंड हो गया, स्कीम हो, ग्रुप पर्सनल लोन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कंपनी रूल्स एंड फोर्स एंड टाइम टू टाइम जो भी नियम अगला निकालेगा कंपनी, वो चीज़ आप लोग को इंक्लूड देखने को मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद से देखोगे ना सबका अलग अलग, यहाँ पे देखो पोस्ट वाइज, यहाँ पे आप लोग का जैसे कि आप लोग का जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट है तो ठीक है, मैं एक इंजीनियरिंग वाला पोस्ट आप लोग को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले के बीएससी मार्क 18 से 30, ये मिनिमम से मैक्सिमम है एज, अब डिपेंड करता है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एस टी पी डब्ल्यू डी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को वेटेज उसी में देखने को मिल जाएगा, 3 साल 5 साल 10 साल तक आप लोग वेटेज मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे बीएससी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किए हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये जो रेशियो रखा गया 50-45 का रखा गया, मतलब क्या, जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 50, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटल हो तो 40-45 भी है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल वाले के लिए डिप्लोमा किए हो 3 ईयर का, वेट सेम टू सेम टर्म एंड कंडीशन है 50 का 45 का, यहाँ पर भी देख सकते हो ये चीज़ दिया गया। अपना अपना ब्रांच देख लेना, ठीक है। मैं आईटीआई वालों को मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट। लैब टेक्नीशियन वाले के देख लीजिए, 3+2 किए हैं टेक्नीशियन में कहीं जॉब या फिर मेडिकल लाइन में कहीं काम किए, लैब टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% है उसमें तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई बाध्य वाली नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक्सरे टेक्नीशियन वाले के लिए भी 3+2 हो अगर इसमें काम की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट होता है आपको आईटीआई वाला, यहाँ पर देखिए बीकॉम वीकॉम किए हो, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट वाला पोस्ट है ये सब। अब देखो अटेंडेंट ग्रेड या मैकेनिकल फिटर वाले के लिए, मैं फिटर वालों को मैं एक दो मैं सुना देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिशियन में दिखा दूँ बताता हूँ, फिटर वाले देखिए 10th पास हो, सिंपल सा फ्रेशर बंदा भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, 10th+ आईटीआई किए हो, ठीक है, 2 साल वाला आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन आईटीआई में 50 और 45 का रेशियो दिया गया, ये चीज़ आपको देखना होगा कि है कि नहीं, इतना तो रहता ही है, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को टर्नर को दिखाता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला को देखो, ऑटो इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल से हो या ऑटो इलेक्ट्रिकल ये सब ट्रेड है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो इलेक्ट्रिकल से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। सेम टू सेम टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे रहने वाला, जो कि ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, 10th+ ITI, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई यहाँ पे वो सब नहीं, यहाँ पे एकदम फ्रेशर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेबस भी आप लोगों को एकदम ईजिली है आराम से आप लोग का, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे सबका अलग अलग यहाँ पे सिलेबस है सबका, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है ये सब चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पेंडिंग है, ये कागज़ नहीं आई हुई है, वो कागज़ नहीं आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो आप लोग का यहाँ पे जिस भी पोस्ट फिलअप कीजिएगा उसके हिसाब से आप लोग का यहाँ पे पैसा आप लोग को देना होगा, ये चीज़ यहाँ पे लगभग ज़्यादा तो है नहीं, 200-300 रुपया लगने वाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद से स्टेप 2, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना, तो यहाँ पे आप लोग को मैं आप लोग का सिलेबस में दिखा देता हूँ, सिलेबस आप लोग का बहुत ही इजीली है, एक मिनट आप लोग सिंपल सा बात समझो, देखो 150 क्वेश्चन टोटल रहेगा, टोटल ये 150 रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग है। सबसे पहली बात 100 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप लोग का ये टेक्निकल है, जो आप लोग का ट्रेड होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 आप लोग का नॉन टेक रहेगा जो कि आप लोग का मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब चीज़ इसमें रहेगा, जैसे कि आप लोग का जनरल इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज अवेयरनेस हो गया। नो निगेटिव मार्किंग मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो साथ ही साथ पढ़ो, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आप लोग को दिया जाएगा, साफ साफ ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आप लोग का होगा यहाँ पे जब आप क्वालिफाई इसको कीजिएगा तो, ठीक है। और अलग अलग जैसे कि आप लोग का ये नॉर्मल सा है, आप लोग का टेक्निकल नॉन टेक्निकल का मैं आप लोग को बता दिया, हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, जो जैसे कि अकाउंटेंट वाले के लिए अलग होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग को देखना होगा, इसमें पूरा पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं टेक्निकल वालों को मैं बता दिया हूँ, नॉन टेक्निकल वालों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 30/9/24 आप लोग यहाँ पर ये अप्लाई आप लोग का स्टार्ट हो गया, 30/9 से आप फॉर्म को भर सकते हो, और क्लोजिंग आप लोग का है ये 9/10/2024 आप लोग का लास्ट डेट रखा गया क्लोजिंग, और एडिट ड्यूटी करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सब चीज़ पर विश्वास नहीं कीजिएगा यार, ये लोग कभी भी बंद कर देते हैं खोल देते हैं, इस पर बिलीव कीजिएगा, 9/10 से पहले कोशिश कीजिएगा फॉर्म को भर देने के लिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है या फिर आपको कोई समझ नहीं आया है बात, तो आप लोग मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बना के आप लोग को
समझा दो एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर, ठीक है। हालांकि सिलेबस सब चीज़ समझा ही दिया आप लोग का, सेंटर आप लोग को, सिटी ऑफ सेंटर आप लोग को, ये आप लोग यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए भैया सिटी ये तो हमको नहीं मिल रहा, ठीक है, मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा वीडियो बना के, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन भारत सरकार की जॉब है, अलग अलग जगह पे ये अपना कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, लगभग लगभग सभी स्टेट में। तो आप लोग को मौका मिल जाएगा अपना फॉर्म फिलअप करने से, मैं ना देख लेना कहाँ नज़दीक है तो वहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। वंदे मातरम।